फ्रेंड्स ये देखिए इस रूम की हालत क्या हो रही है। ये देखिए कल ऑफिस से आए हैं ना, तो ये देखिए अपना जो पैंट है वो भी उतार के यहीं डाल दिया है उन्होंने। ये भी अपनी सही जगह पे नहीं रखा है, और ये जैकेट भी देखिए यहीं पर अपने कपड़े उन्होंने डाल दिए हैं। और ये देखिए कोई ऑफिस का काम कर रहे होंगे, तो वैसे तो लैपटॉप बंद कर रखा है, पर देख लीजिए इसको मतलब बंद नहीं कर पाए थे, इतनी भयंकर नींद आ रही होगी, पता नहीं कितना लेट हो गया था। तो ये देखिए बड़े भी बच्चे बन जाते हैं नहीं कभी कभी। चलिए बेडशीट तो फिर भी थोड़ा ही खराब हो रही है, तो इसे सही कर देते हैं थोड़ा सा। बेडशीट जब तक बिल्कुल ठीक ना हो ना अच्छा नहीं लगता, सल पड़ी रहती है बेडशीट भी तो गंदा लगता है। तो ये फ्रेंड्स मेरा जो मॉर्निंग का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं जाऊंगी बात करने नहाने, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैं नहा कर आ गई हूँ, और मैंने अपना जो है सिंपल सा मेकअप कर लिया है, तैयार हो गई हूँ। ऐसी पौनी बनाई है आज मैंने, देखी ये बिल्कुल सिंपल वाली, ये वाली पौनी बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स जो अपना काम है वो कर लेते हैं। जय हो तमसा मैया। फ्रेंड्स ये देखिए ये ना क्या है कि जो मेरा मसाले थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे किचन में, और हस्बैंड को टाइम नहीं था, उनके पास आज ही टाइम था, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं बाद में मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये देखिए ये मसाले मैं लेके आई हूँ। हल्दी और मिर्च मेरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, एक दो टाइम की है, और मैं बहुत 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 ज़्यादा इमरजेंसी होती है तब जो है रेडीमेड मसाले यूज़ लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ। मैं खुद जो है इन मसालों को घर पर जो है पीसती हूँ, तो ये मैं साबुत ले आई हूँ, और इनको थोड़ा सा जो है पहले धूप में डालूंगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो थोड़ी नमी होगी इनमें, और बहुत ज़्यादा धांस लग रही है मुझे, बहुत तीखी मिर्च है ये ली, तो ये मैं लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स मतलब ऐसे जल्दी जल्दी लंच बनाया, और जल्दी जल्दी लंच करके ही निकल गई थी, और जो है आज किचन का जो हाल है ना बेहाल हो रहा है। आपको चल के दिखाती हूँ किचन का हाल क्या है, चलिए आइए आपको दिखाती हूँ किचन में कैसी बेहाल हुई पड़ी हुई है मेरी किचन। आज जल्दी थी ना वो, मैं आपको बोल रही हूँ पहले ही, तो इस वजह से मुझे जो है किचन ऐसे कैसे छोड़ के जाना पड़ा। तो ये देखिए पूरा, ये देखिए कितना ज़्यादा ऑयली ऑयल हो रहा है, देखिए आप देखिए जो सारी सब्जी वगैरह बनाई थी ना, तो ये देखिए आप पूरा, और ये देखिए सारा जो है, और रायता बनाया था मैंने तो रायते के भी स्पॉट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। और बर्तन दिखाती हूँ आपको, बर्तन जो हैं कितने सारे हो रखे हैं, देखिए सिंक पूरी भरी हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स पूरी जो सिंक है वो बर्तनों से भरी हुई है। तो चलिए करते हैं इनको साफ।
सारे बर्तन हो गए हैं ना मुझे। और फ्रेंड्स ठंड का टाइम है तो जो है ना हाथों का तो हाल बुरा हाल हो जाता है, पर अभी तो क्या है कि थोड़ा दोपहर का टाइम है ना, दोपहर के आज तो मुझे थोड़ा शाम भी हो गई ना मार्केट गई थी, तो इस वजह से अब फ्रेंड्स क्या करें, ठंडे पानी से करने पड़ते हैं मुझे तो बर्तन साफ, क्योंकि जो है गीजर नहीं है मेरे पास और गैस पर बार बार कहाँ तक पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बार बार जो है पानी की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ बार बार जो है शरीर को में धोना पड़ता रहता है, कभी सब्जी कभी कुछ। और हमारे यहाँ राजस्थान में तो जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी है बिजली, बहुत ज़्यादा महंगी है, और साथ ही जो है हमारे जो गैस सिलेंडर है उसका भी प्राइस काफ़ी बढ़ गया है फ्रेंड्स, 900 से अबव हो गया है, तो इतना जो है मेरा बजट नहीं है। और जो है मुझे मेरे हस्बैंड फिक्स पैसे देते हैं, उनसे ही मुझे जो है अपना खर्चा चलाना होता है पूरा मंथ का, तो क्या करें कुछ जो है इस टाइप से ही बचत कर सकते हैं हम लोग, और करना भी चाहिए, हर लेडीज़ को करना चाहिए बचत जितना हो सकता है करना चाहिए। सच्ची में बहुत ठंडे लग रहे हैं, देखिए हाथ कैसे हो गए हैं ना मेरे ठंडे में, और मुझे भी ठंड लग रही है, तो जल्दी से पहले है ना अब हाथ गीले हो गए हैं, स्वेटर पहनूंगी तो भी ठंड लगेगी, तो पहले जल्दी से बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ और फिर है ना स्वेटर पहनूंगी जल्दी से। तो क्या मार्केट से आई थी ना तो स्वेटर उतार दिया था मैंने, फ्रेंड्स बर्तन साफ हो गए हैं और बहुत ठंडे ठंडे हो गए हैं हाथ मेरे। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, आई होप आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है वो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के साथ की प्यार की मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा।